Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. अक्षय कुमार और रजनीकांत स्टार मूवी 2.0 रिलीज से पहले ही सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के मामले में अक्षय की फिल्म ने बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल 2.0 के केरल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को करीब 16 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि बाहुबली 2 के केरल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को महज 10.5 करोड़ रुपए में बेचा गया था। इस लिहाज से अक्षय की फिल्म बाहुबली 2 से आगे निकल चुकी है। 2.0 स्टारकास्ट के साथ ही भव्य बजट के चलते भी सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म करीब 450 करोड़ रुपए में बनी है। फिल्म के बजट के बारे में सुनकर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स भी हैरान हैं। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक 2.0 इंडिया की सबसे महंगी फिल्म इसलिए है क्योंकि इसमें महंगे VFX का इस्तेमाल किया गया है और वो बेहद एडवांस्ड है। फिल्म 13 अप्रैल 2018 को रिलीज होगी। करीब 45 करोड़ एक फिल्म के लेने वाले अक्षय ने बजट में इजाफा किया है। वे फिल्म में विलन के रोल में है। स्टंट सीन को फिल्माने के लिए कई इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर और एक्सपर्ट को हायर किया गया है। फिल्म के क्लाइमेक्स में फिल्माया रजनीकांत, अक्षय का फाइट सीन का खर्च ही करीब 20 करोड़ रुपए है। अक्षय के मेकअप में 3 घंटे का समय लगता है, साथ ही उसे उतारने में 1 घंटा खर्च होता है। इसका खर्च करीब 4 करोड़ रुपए है। अक्षय डॉक्टर रिचर्ड की भूमिका निभा रहे हैं, जो गलत एक्सपेरिमेंट के कारण कौवा बन गए हैं। उनका ड्रास्टिक मेकओवर हॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट सीन फुट करते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स ने फिल्म प्रमोशन के लिए भी 40 करोड़ रुपए का बजट रखा है।